गोरखपुर का नगर निगम गोरखपुर को बेहतरीन शहरों में शुमार करने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसे आड़े आ रही हैं जिससे गोरखपुर शहर के सुंदरीकरण का काम प्रभावित हो रहा है। आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल को ही शास्त्री चौक के सुंदरीकरण का काम पूरा होना निश्चित है, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से नगर निगम प्रशासन लाचार साबित हो गया। अभी भी शास्त्री चौराहा निर्माणाधीन है और आने वाले समय में इसे पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है। चारों ओर सड़कों की खुदाई हो तो गई है, लेकिन अभी कुछ दिन बाद जब बारिश आएगी तो ऐसे सुंदरीकरण का क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया। चौक की सुंदरीकरण का कार्य सर धीमी गति से चल रहा है सर, क्या वजह है? नगर निगम गोरखपुर में प्रथम चक्र में 22 चौराहों को चिन्हित किया गया है जिसका सुंदरीकरण मध्य कार्य चलाया जा रहा है। ये कार्य नगर के उद्योगपतियों व्यवसायिक संगठनों सबके सहयोग से किया जा रहा है, साथ ही साथ नगर क्षेत्र के नौसड़ चौराहे से लखनऊ मार्ग की तरफ जो मिट्टी का डैम चल रहा है उस पर पूरा सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है जो भी अगले 2-3 दिनों में चालू हो जाएगा। इन चौराहों के सौंदर्यीकरण में एक प्रमुख चौराहा शास्त्री चौक और शहीद चौक को मिलाते हुए एक बेहद चौराहा बनाया जाना है, जिसका कार्य 3 महीने के अंदर करने के लिए संबंधित ठेकेदार को बोला गया है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है चौराहे पे और बगल में कुछ अतिक्रमण हटाया जाना है जिसकी वजह से चौराहे के सौंदर्यीकरण को के लिए रुका हुआ है। शीघ्र ही वो अतिक्रमणकारियों से भी वार्ता की जा चुकी है, वो अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और चौराहे का कार्य अगले 30 दिनों के अंदर पूर्णकारी किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। और चौराहे जैसे अम्बेडकर चौराहे हैं, पटेल चौक हैं और इंदिराबाद तिरहा, इनका भी सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। फिर बहादुर सिंह जी चौदह, इन सबका सौंदर्यीकरण यथाशीघ्र पूरा कर दिया जाएगा सर। आ रहा है सर 30 अप्रैल तक काम पूरा हो जाना था सौंदर्यीकरण वाला सर। देखिए मानसून आ रहा है, हमारा कार्य तेजी से मानसून में जल भराव को देखते हुए चल रहा है। शास्त्री चौक के बगल का नाला जो गोलघर से लेकर के पूरा जा रहा है और गोलघर के कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए शास्त्री चौक से होते हुए जिला चिकित्सालय के पास मिलता है और वहाँ से फिर वो नाला अंदर की तरफ से जाता है और सपाह नाले से होते हुए फिर आगे नगलिया मोड़ के पास जो है उधर रेती से आ रहे नाले से मिलता है, तो पूरे नाले की सफाई कर रही है। उसी का भी असर आपने देखा होगा कि भी बारिश हुई है 2 घंटे लगातार, लेकिन गोलघर में पानी नहीं लगा, तो वो यही रहा कि नाले की तली झाड़ सफाई की गई है, जिसकी वजह से इतनी बारिश के बावजूद भी जो है गोलघर इलाका जो थोड़ी सी बारिश में पूरा जलकल के सामने जल भरा होता था तो पूरे इलाके में बारिश में भीड़ नहीं लगा।
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े 11 नाला हैं उनको सभी मझोले और छोटे टोटल 230 नाले नालियों की तली झाड़ सफाई करें। उसमें भी प्राथमिकता हमने रखा है कि जितनी भी गुलियाँ हैं, जितने भी क्रास हैं, जितने भी सड़क के नीचे अंडर क्रास चल रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चाहे बिजली के तार डाल दिए गए हैं, पाइपलाइनें डाल दी गई हैं, टेलीफोन की लाइनें डाल दी गई हैं, जिससे वो सकरे हो जाते हैं, पॉलिथीन वगैरह जा करके फंस जाते हैं और पानी चौक हो जाता है, तो उनको हमने प्राथमिकता से साफ करवाया है। कुछ और भी चिन्हित नालियाँ हैं जो साफ होनी बाकी हैं, तो इनको भी करा लेंगे। और इस वर्ष जो है कहीं भी हम लोग जो है जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। साथ ही हम लोग हर वार्ड में चार चार जो है रैपिड एक्शन टीम बना रहे हैं कि अगर कहीं पे जल भराव की जरा सी भी समस्या आएगी तुरंत वहाँ पे पंप लगाए जाएंगे, वहाँ पे नाले नालियों को चूक होने से रोकने के लिए अलग से टीम रहेंगी, मोबाइल टीमें गैंगे रहेंगी जो जा करके तुरंत साफ करेंगी। इस प्रकार नगर निगम अपनी ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए लगा हुआ है और साथ ही साथ कहीं भी पूरे शहर में हम नाले नालियों को चोट नहीं होने देंगे, जल भराव नहीं।